बात करते हैं ऐसी टीमों के बारे में जिनका सक्सेस रेट काफी कमाल करा है, बहुत सक्सेसफुल रही है आईपीएल के टूर्नामेंट में। पांचवें नंबर पे जो टीम आती है सक्सेस रेट की, अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स से। राजस्थान रॉयल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको पता ही है कि कमाल की टीम है, यंग टीम हमेशा से रही है। अप्स एंड डाउन आए हैं कि ऑन द फील्ड प्रॉब्लम्स आई, ऑफ द फील्ड बैटल्स आए, बट खड़ी रही है, काफी स्टिफ रही है अगर मैं बात करूं। उन्होंने सारे ऑड्स को डिफाई करा, ट्रॉफी भी उठाई थी इनॉग्रल एडिशन जो शेन वॉर्न की कप्तानी में, उनकी कयादत में सारी ऑड्स को उन्होंने डिफाई करा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एडिशन में उन्होंने मुकाबला जीता था। रॉयल्स बहुत ही प्रैग्मेटिक रहे अपने अप्रोच में जब से इन्होंने शुरुआत करी इस आईपीएल सीजन की अगर मैं बात कर लो, और इनका अप्रोच बड़ा कमाल कर रहा है। यंग प्लेयर्स को काफी इन्होंने सपोर्ट करा है, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो चाहे वो रियान पराग हो, समहाउ उन्होंने एक्सप्लोर किया इनके अंदर के टैलेंट को। अब बात करते हैं रॉयल्स के बारे में कि रॉयल्स ने प्लेऑफ्स में तीन बार और जगह बनाई है लेकिन फाइनल्स में कभी जगह नहीं बना पाए। चौथे नंबर पर जो टीम आती है अगर मैं सक्सेस रेट की बात कर लूं, जिसका मैं जिक्र कर लूं, वह है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद से रिलेटेड फैक्ट और स्टैट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। ऐसा है कि सनराइजर्स एक्जिस्टेंस में आई थी जब डेक्कन चार्जर्स जो आईपीएल की विनिंग टीम थी उसने अपने ऑपरेशंस को क्लोज डाउन कर दिया था 2012 में। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद का जन्म हुआ, हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंची अपने फर्स्ट सीजन में। स्टार्टिंग लाउड एंड क्लियर उन्होंने बताया कि उनको बिजनेस ही मीन करते, दे मीन बिजनेस, दे आर हियर टू विन, दे आर हियर टू विन द टूर्नामेंट। अगर मैं सनराइजर्स हैदराबाद की बात करूं, नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स उतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन डेविड वॉर्नर की कप्तानी में सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रॉफी उठाई थी पहली बार 2016 में, और उन्होंने उसके बाद कोई ट्रॉफी नहीं जीती, पर उन्होंने प्लेऑफ्स और फाइनल में, दो प्लेऑफ्स और फाइनल में भी जगह बनाई थी। केन विलियमसन टीम जो है फोर्थ इंट्रैंट है इस पर्टिकुलर लिस्ट में, मोस्ट सक्सेसफुल टीम आईपीएल की बात कर लो। तीसरे नंबर पे जिस टीम का मैं जिक्र करूंगा, जो टीम आती है सक्सेस रेट की बात कर लूँ, वह है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में जो स्टैट्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मुंबई इंडियंस की स्टोरी फेरी टेल अगर आप कंसिडर करते हो तो कोलकाता नाइट राइडर्स की स्टोरी मदर है सारी फेरी टेल की। मुंबई इंडियंस की स्टोरी तो ज़बरदस्त रही है, कमाल की रही है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की स्टोरी उससे भी कमाल की रही है, क्योंकि इंडियंस का हैड एन एवरेज स्टार्ट अगर आईपीएल की बात कर लूँ, पर केकेआर का जो स्टार्ट था बहुत ही हॉरिबल स्टार्ट रहा है। अगर स्टार्टिंग सीजन में आप कंसिडर करें, बहुत ही बॉटम आते थे, लॉफिंग स्टॉक में जाते थे रेस्ट ऑफ द साइड्स के लिए, और थिंग्स तब चेंज हुई 2011 में जब गंभीर को कप्तान बनाया गया, गंभीर ने कप्तानी करी और वो एनर्जी जो मिसिंग थी उन्होंने भरी उसको उस पर्टिकुलर टीम में। 2011 में चीज़ें बदली, गंभीर ने पहली सेकेंड टाइटल जिताया, और 2014 में 2019 के एडिशन में, 2019 के एडिशन की बात करूँ तो बड़ा ख़राब था केकेआर के बारे में बात करूँ। दूसरे नंबर पर जो टीम आती है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिसका मैं चर्चा यहाँ पे करना चाहूँगा, वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के जो स्टैट्स हैं, सक्सेस रेट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। धोनी की टीम की तरह मुंबई इंडियंस भी शाइन करने लगी है आईपीएल में, बहुत ही कंसिस्टेंट रही अपने अप्रोच में। ऑर्डनरी फर्स्ट टू सीजन रहे इनके बाद, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंची थी पहली बार 2010 के आईपीएल सीजन में, पर वो ट्रॉफी नहीं उठा पाई थी 2010 के सीजन की अगर मैं बात कर लूँ। लेकिन जो नेक्स्ट टू ईयर्स रहे उन्होंने प्लेऑफ्स में भी बनाया, लेकिन वो ट्रॉफी फिर से नहीं उठा पाए, सिल्वर वेयर पे हाथ नहीं चला पाए वो। लेकिन एक गोल्डन एरा आया, और गोल्डन एरा तब आया जब रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई, नई हाइट्स पर पहुंची मुंबई। 2013 का पहली बार सीजन जीता उन्होंने आईपीएल का, और फिर डबल उसके बाद भी जीतते गए। नेक्स्ट फोर सीजन मुंबई इंडियंस वॉन टू मोर टाइटल्स, दो बार और टाइटल्स उन्होंने जीता, दो और खिताब जीते। पहले नंबर पे जो टीम आती है जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, जिसके बारे में बात करना चाहेंगे, नन अदर चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स रिलेटेड सक्सेस रेट, सक्सेस स्टैट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर हमें सक्सेस जज करनी है नंबर ऑफ ट्रॉफीज के बेसिस पे जिसने जीता है, तो वो तो उस सिचुएशन में आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो। डिक्शनरी में सर्च करोगे तो सीएसके का नेम पॉपअप होने लगता है वहाँ पे। चेन्नई सुपर किंग्स मोस्टली सक्सेसफुल टीम रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है इंडियन प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूँ, लेकिन आप कंसिस्टेंसी की बात करोगे डिक्शनरी में और चेक करोगे तो कोई एग्जाम्पल अगर पॉपअप होगा तो सीएसके का होगा। 10 सीजन जो उन्होंने खेले हैं, जो उन्होंने प्ले इन करा इस पर्टिकुलर आईपीएल के एतबार से बात कर लो, यहाँ पे उन्होंने सेमीफाइनल्स में तो जगह बनाई है सारे के सारे सीजन्स में। दो सीजन में बैन भी होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्होंने 7 फाइनल खेलाया, 3 उन्होंने जीत दर्ज कराई, उनकी क्यादत में 3 बार जीती। अगर वो सस्पेंड नहीं होते 2 सीजन में तो शायद और भी मुकाबले वो जीत सकते थे।